नमस्कार। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत ही धार्मिक दिवस है आज का, 28 मई। मोदी जी ने हमारे प्यारे देश के सबसे बड़े संविधान के मंदिर का, यानी कि पार्लियामेंट का, यानी कि संसद भवन का बहुत ही ज़बरदस्त वन मैन आर्मी करके, अपने आप को नतमस्तक करके, प्रणाम करके, साधु संतों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। मोदी जी को बहुत बधाई, हम सबको, पूरे देशवासियों को बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। मैं समझता हूँ कि पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई, और साथ में लड़ी है नफरत की लड़ाई और नफरत को दी है भारत से विदाई। लेकिन अब अपोजिशन की बात पे आ जाते हैं, कुछ मीडिया वालों की बातें पे आ जाते हैं, कुछ लोगों की बातों पे आ जाते हैं कि मोदी जी ने आज जो अकेले ही इसका उद्घाटन किया, ना कोई मंत्री वहाँ पर थे, ना कोई उप मुख्यमंत्री वहाँ पर थे, ना कोई मिनिस्टर किसी भी लेवल का, इवन वहाँ पर हमारी राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी भी नहीं थे, सिर्फ स्पीकर उनके साथ थे। और स्पीकर भी टेंशन में थे कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरी जगह भी यही ले ले मोदी जी, क्योंकि भाषण में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। स्पीकर बहुत अच्छे हैं वो, मुझे लगता है कि कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, सीधा पैर ही पकड़ता है। और साथ में फिर कुछ सवाल ऐसे भी आए कि भैया अपोजिशन वाले क्यों नहीं आए थे, मोदी जी ने अकेले ही इसका उद्घाटन क्यों कर दिया। तो भैया, आउट ऑफ जेलेसी, जेलेसी जलन, जलन की वजह से अपोजिशन वाले आए नहीं, समझे भाई। जिनका नाम ही अपोजिशन हो, वो तो अपोजिट खड़ा ही रहेगा ना, अपोजिशन का, है ना, अपोज करेगा, है ना। और खासकर वो इसलिए भी नहीं है कि इनोग्रेशन है, तो भैया उनके जलन का एक ही इलाज है, इनोग्रेशन। तो ग्रेशन को छोड़ो, इनो ले लो, ताकि ये बात हजम हो जाए कि भैया उद्घाटन हो चुका, समझे। जब उसकी नींव रखी थी मोदी जी ने रखी थी, जब वो न्यू बन के आ गया, तो न्यू और न्यू दोनों पे ही तो प्रधानमंत्री जी का हक है, हैं? प्रधानमंत्री जी का पुतला इस देश में बना है, उसका भी उद्घाटन उन्होंने किया। प्रधानमंत्री के नाम पर स्टेडियम बना है, वो भी उन्होंने किया है। तो भैया, आप मोदी जी को समझ नहीं रहे हो, वो करोड़ों में एक है, 40 करोड़ों में एक है, और वही आदमी उसका उद्घाटन कर सकता है। क्योंकि उनको देख के मुझे अक्सर वो गाना बड़ा याद आता है, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। और ये तो मई का महीना ही है ना, यहाँ मैं चलेगा, हम नहीं चलेगा यहाँ पर, मैं। और हमारे प्रिय मोदी जी किसी से कोई नफरत नहीं करते, खामोखा ये जो प्रोपोगंडा जो चलाया जाता है, पप्पू गंदा जो चलाया जाता है, प्रोपोगंडा जो चलाया जाता है, गलत बात है। हाँ, वो किसी की भी देखा जाए तो सब लोग वहां पर मौजूद थे, दिल से, मन से, शारीरिक रूप से शायद मौजूद ना हो। अब जैसे अरविंद जी वहां पर नहीं थे, अरविंद केजरीवाल जी, कौन कहता है, कौन कहता है भाई। अरविंद का मतलब कमल होता है संस्कृत में, हाँ, और अरविंद मतलब जो अरविंद हवा जो चल रही, वो भी अरविंद मौजूद थे, उनकी हवा चल रही थी। फिर गांधी परिवार नहीं था,
लेकिन महात्मा गांधी जी की इतनी बड़ी मूर्ति जिस पे फूलों का बरसाव किया गया। मोदी जी की तो देखिए आप दिल कितना बड़ा है, वो चाहते तो कमल का फूल भी चढ़ा सकते थे लेकिन उन्होंने गुलाब का फूल चढ़ाया। कहीं किसी को ये ना लगे कि भैया एक तरफा मामला हो रहा है, ठीक है। ममता दी वहाँ पर नहीं थी, नहीं थी कौन कहता है, संसद भवन हमारी माँ है, संसद भवन हमारी माँ है और वहाँ पर माँ की ममता थी, है ना। तेजस्वी नहीं थे ऐसा कौन कह रहा है, संडे है आज, संडे से बड़ा कोई तेजस्वी दिन हो सकता है, है? नीतीश तो राजनीति की जो नीति है, इतनी सारी नीतियां बना गई तो अंग्रेजी के हिसाब से नीतीश फ्लावर्स बॉयज गर्ल्स वैसे नीतीश वहां पर मौजूद थे। भगवंत मान वहां पर अगर नहीं थे तो लेकिन थे तो जरूर, पूजा पाठ भगवंत ही भगवंत सब तरफ, हर बंदा एक ही चीज मान रहा था कि भगवान का आशीर्वाद है। और तो और वन मैन आर्मी करके उन्होंने देश की आर्मी को भी सलाम कर दिया, हाँ अकेले काम ही पटके। तो भैया मुझे लगता है कि आप गलत समझते हैं हमारे मोदी जी को। मोदी जी हर जगह खुद जाके उद्घाटन करते हैं हर चीज़ का, वो इनवाइट रहते हैं हमेशा इनवाइट। वो पहले मंत्री हैं जो आमंत्रित भी हैं निमंत्रित भी हैं, उनके बारे में आप गलत मत समझा करो, हमेशा वो अच्छी बातें सोचते हैं। अब आप कहोगे कि 28 तारीख को ही ये इनॉग्रेशन क्यों रखा गया, उद्घाटन क्यों रखा गया। भैया तमिल का सिलेक्शन, इलेक्शन नहीं, तमिलनाडु का सिलेक्शन जो है, तमिल का जो सिलेक्शन है वो है सिंगुल जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मोदी जी ने रखा और उससे बोला कि तुम भी सिंगुल मैं भी सिंगुल दोनों आमने सामने रहेंगे। जब सिंगुल को सिंगुल ने रखा तो मामला बराबरी का हो गया, वन मैन आर्मी। उसके बाद मोदी जी भले अमित शाह के साथ रहते हैं लेकिन तानाशाह कभी नहीं बने, वो कभी ये नहीं कहा उन्होंने मोदी जी ने कि हमारे हुक्म का तामिल करो। गोदी मीडिया करता है तो उसको उनका प्रॉब्लम है, गोदी मीडिया उनके हुक्म का तामिल करता है तो, लेकिन तामिल शब्द से इसका कोई लेना नहीं। और ये गोदी मीडिया यार हमेशा देखो तो गांधी जी को इनके खिलाफ भड़काते रहता है, उनके खिलाफ भड़का रहता है। एम जी तुम जी एम के चक्कर में इनको माफ मत करना। एम जी मतलब महात्मा गांधी और जी एम मतलब गोदी मीडिया। जी एम तुम एम जी की बराबरी नहीं कर पाओगे, तुम्हारी एम जी है मिनिमम गारंटी है और महात्मा गांधी मैक्सिमम गारंटी है, ठीक है। और अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सावरकर जी के जन्मदिन पर ये कार्यक्रम क्यों रखा गया, इस विषय पर तो मैं ज़रूर गौर करना चाहूँगा। और इसकी भी बहुत बढ़िया सफाई मोदी जी ने मेरे सपने में आकर दे दी, क्योंकि वो सपने में आते हैं मेरे। देखिए इनसे बड़ा नाम राजनीति में या मिनिस्टर की दुनिया में, मिनिस्टर की दुनिया में नहीं हुआ सावरकर जी से बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, चार अलग अलग वजनदार नाम है, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। अब आप देखिए चारों दिशाओं का एक नाम है, ठीक है। अब आप देखिए स्वतंत्र वीर, और हमारे मोदी जी भी स्वतंत्र वीर हैं, वो ऐसे वीर है कि वो स्वतंत्र है, वो किसी के गुलाम थोड़ी है, स्वतंत्र है। सावरकर जी काला पानी से जुड़े थे, मोदी जी चाय पानी से जुड़े हैं, समझ रहे बात को, है ना, समझो। नहीं तो बाद में कहोगे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप इस बात को जब सुनेंगे ना तो एंड में आप कहोगे वाह मोदी जी वाह, आजादी का ये अमृत काल है। आप तो एहसान मानो भाई, अमृत काल को मोदी काल नहीं कहा जा रहा है, चाहे तो वो भी करवा सकते थे लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं आजादी का झूठ, इस बात पे झूठ नहीं बोलेंगे घर घर जाकर, ठीक है। अब
विनायक जी, नाम विनायक है सावरकर जी का, और मोदी जी देश के नायक है, विनायक नायक, वो वी नायक, ये मैं नायक, वी मैं। ऊपर से उनका सरनेम सावरकर है और मोदी जी देखिए हर वक्त सच सावरकर रहते हैं, एकदम सच सावरकर। और सबसे बड़ा सिमिलरिटी जो है, सबसे बड़ी वो ये है कि दोनों दामोदर जी के पुत्र हैं, विनायक दामोदर सावरकर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो दामोदर के बेटे हैं और ये दामोदर दास है के बेटे हैं। तो आप सोचिए कितनी समानता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस मौके पे मोदी जी अगर गाना गा रहे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे अपोजिशन है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, सर के बलिया कदम से चलूं, तो भैया मोदी जी को जो है हम सब की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। शाहरुख खान ने तो ऑलरेडी वॉइस की शुभकामनाएं दे दी, एक बादशाह ही दूसरे शहनशाह या राजा को शुभकामनाएं दे सकता है ना, तो शाहरुख खान ने भी शुभकामनाएं दे दी है और बहुत जगह से और भी आ रही हैं, देश विदेश से, शायद अभी तो पहुंची नहीं लेकिन पहुंच जाएगी, ठीक है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं ना मोदी जी के जो विदेशी मित्र हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। भैया टेंशन मतलब ये जो नया जो संसद बनी है ना, ये पहला ऐसा संसद होगा जिसमें सांसद शायद नहीं होंगे, लेकिन समय आने पे हो सकता है कि आ भी जाए भैया, समय कोई किसी का कह नहीं सकता, अभी तो सांसद नहीं है, बाद में संसद हो सकते, सांसद आ सकते हैं। तो भैया पार्लियामेंट की इस वीडियो पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में संसदीय भाषा का इस्तेमाल ना करें, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, संसद में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, वो बाहर ज़रा गड़बड़ भाषा है, ठीक है। और वैसे भी वो जो पुराना सांसद, पुराना संसद जो था, वो 100 साल हो चुका है, 100 साल हो चुका है भाई, 100 साल को उल्टा करेगा तो एक नंबर होता है और एक नंबर मोदी जी है, ठीक है, 100 साल हो चुका है उसको, वो अंग्रेजों ने बनाया, गुलामी वाली फील आ रही थी कुछ लोगों को, मोदी जी ने ये वैसा सोच के नहीं बनाया होगा, लेकिन ये सोच के बनाया होगा कि यार हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जन्मदिन पर अगर हम इसे ओपन कर रहे हैं, इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, तो भाई आज़ादी वाला झूठ ना बोलते हुए घर घर में इसको पहुंचाओ, आज़ाद देश का अमृत काल जो आज़ाद का चल रहा है, आज़ादी का, उसमें देश का खुद का पार्लियामेंट बनाओ। हालांकि मैं इसको पार्लियामेंट नहीं कहूँगा, जो अंग्रेजों ने बनाया था वो पार्लियामेंट था, जो मोदी जी ने बनाया वो संसद है, वो अंग्रेजों वाला था ना इसलिए पार्लियामेंट, ये हमारे भारतीय भाषा वाला संसद। तो भैया मेरी तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ये पार्लियामेंट और ये खुशियाँ बहुत पूरे देश को मुबारक हो और एंजॉय करो। वो दृश्य बहुत प्यारा था जहां पर मोदी जी इमोशनल होकर संसद के पार्लियामेंट के हर कमरे को देख रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। लव यू सर। क्योंकि मोदी जी जहां खड़े हो जाते हैं धर्म वहीं से शुरू हो जाता है और सर्वधर्म की बात की जाती है, तो मैं समझता हूं इसीलिए उनका नाम मोदी है। मोदी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा आपको, मिनिस्टर ऑफ डिवाइन इंडिया। जो जो वहां पर नेता वहां नहीं पहुंचे इनॉग्रेशन के लिए, अब वो आज के दिन को कभी भूलेंगे नहीं, वो कहेंगे भैया 28 तारीख हमका बहुत 27 है, बहुत 27 है, 28 तारीख का बहुत 27 है, क्योंकि उनके लिए सीवी का फुल फॉर्म कोरोना वायरस कोविड वैक्सीन होगा, सेंट्रल विस्टा कभी नहीं सीवी। और भैया गलती से भी ये मत सोचना कि गांधी जी का कहीं भी अपमान हो रहा है देश में, बिल्कुल नहीं हो रहा है,
ये जो सेंट्रल विस्टा है ना, हजारों करोड़ों के लागत में बना है, करोड़ों मतलब रुपया, रुपया मतलब गांधी, गांधी के बिना दुनिया का कोई काम हो नहीं सकता, इसलिए मत मचाओ नफरत की आंधी, हर जगह इस्तेमाल होते हैं गांधी। हाँ मगर शाहरुख खान ने जो रूपरेखा बताई ना, इसका पहले ऑफर हुआ था बच्चन साहब को, बच्चन साहब रूपरेखा बना भी रहे थे, तो जया जी ने कहा नहीं 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 प्लीज़ मत बनाइए। बोले क्यों, आप दूसरी पार्टी के, इसलिए? नहीं नहीं बोले वैसी बात नहीं है, असल में क्या है ये रूपरेखा में है ना, रेखा का रूप आता है, और मैं नहीं चाहते कि किसी ना किसी भी बहाने आप रेखा के रूप की रूपरेखा करो। सेंट्रल विस्टा के तीन द्वार हैं, असल में देखा जाए तो वो हमारा हरिद्वार है। और आप लोग पूछते रहते हैं सवाल, एक तो नेहरू जी से सवाल पूछेंगे या मोदी जी से, दोनों का स्वभाव है कि भैया वो उनसे जवाब लेना आपके बस की बात नहीं है, वो अलग लोग हैं, महान लोग हैं। नेहरू जी भी जवाब नहीं देंगे किसी बात का, और बिल्कुल वही, हाँ स्वागत से स्वागत, सारे चीज़ों का स्वागत जो है वो हमारे यो मोदी जी ही करेंगे। 9 साल हो गए मोदी जी की सरकार को, 9 सवाल तुमने भी किए, लेकिन सामने से 9 आया, 9 जवाब आए, मतलब 9 जवाब, बस की बात नहीं भाई, आप लोग सवाल कर ही नहीं सकते, जवाब मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए सेंट्रल विस्टा का सम्मान करो, मोदी जी का सम्मान करो, प्रणाम है मोदी जी आपको, आप वाकई धर्म को मानते हैं, राज धर्म को, इसलिए मेरी शुभकामनाएं, कोई त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हूँ। सेंटर के चक्कर में थोड़ा सा दिमाग जो है हिल गया था, तो कुछ उल्टा सीधा अगर बोल दिया हो, क्योंकि सेंटर का मतलब होता है फोकस, सेंटर मतलब ज़ीरो, ज़ीरो के बारे में बात करते हुए मुझे, मैं ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, क्षमा प्रार्थी हूँ, आप एक विद्यार्थी हूँ। ऑल द बेस्ट मोदी जी, ऑल द बेस्ट तमाम भारतवासियों को, देशवासियों को प्रणाम है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम।